मोबाइल बोनांजा सेल जो कि स्टार्ट हो रहा है आज रात 12 बजे से, मतलब कि 26 अगस्त से स्टार्ट होके और 28 अगस्त तक जाने वाला है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उसको ढूंढे कहाँ, क्योंकि मोबाइल के अंदर फ्लिपकार्ट अगर आप खोलते हैं तो उसमें शो नहीं करेगा कि कहाँ पे है मोबाइल बोनांजा ऑफर। आपको जाना है फ्लिपकार्ट के अंदर और वहां पे जाने के बाद मोबाइल सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं सारे ऑफर आपके निकल के बाहर आ जाएंगे और मोबाइल बोनांजा सेल जो दिखा रहा है 26 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक वो भी निकल के बाहर आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको डिस्काउंट में मिल रही है या फिर से आपको बेवकूफ बनाने के लिए वो सेल बनाया जा रहा है। देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों शेयर करना चाहता हूं कि आज की डेट में कोई भी कंपनी फोन लॉन्च करती है तो लॉन्च तो वो बहुत सारे करती है लेकिन फ्लैश सेल में फोन को लेके आती है और 10 से 15 सेकंड में फोन सोल्ड आउट दिखा देती है। भले ही वो 500 ही मोबाइल सेल करे लेकिन वो बताएंगे कि हमारा ये सेल सोल्ड आउट हो गया और वो भी 10 सेकंड में। ये बहुत बड़ी दिक्कत है कस्टमर्स के साथ, मोबाइल कंपनीज को इस पे ध्यान देना चाहिए। कल जैसे Redmi 9 Prime का जो सेल था वो बहुत लोगों को बहुत परेशान करके गया है, ज्यादातर लोग बहुत खफा हैं और इस तरीके से अगर ब्रांड्स करेंगी तो देखिए बहुत समस्या हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। अब यूट्यूबर्स की जिम्मेदारी है कि इन सब बातों को लेके कंपनी तक पहुंचना चाहिए और कंपनी को बताना चाहिए कि अगर आप फोन लॉन्च कर रहे हैं तो फोन लॉन्च करने के बाद उसको रखिए सेल में। ऐसा नहीं कि फोन लॉन्च किया और आउट ऑफ स्टॉक ही दिखाया जाता है और हर महीने सेम स्पेसिफिकेशंस के ऊपर दूसरा फोन लॉन्च कर दिया जाता है थोड़े बहुत ट्विस्ट करके। ये गलत सिस्टम है। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट के ऊपर मोबाइल बोनांजा सेल जो निकल के आ रहा है 26 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक रहेगा, जिसके अंदर आपको डिस्काउंट बहुत सारे फोन के ऊपर मिलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे का मतलब ये नहीं है कि सभी फोन के ऊपर मिलेंगे। कुछ ऐसे फोन है जहां पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है लेकिन ज्यादातर फोन के जो डिस्काउंट के प्राइसेस दिखाए जा रहे हैं आज भी वही प्राइसेस हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि मोबाइल पे क्लिक करने के बाद मुझे सारे कंपनीज के नाम दिख रहे हैं और साथ ही साथ 10% इंस्टेंट डिस्काउंट दिख रहा है फेडरल बैंक के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि किन लोगों के पास फेडरल बैंक का अकाउंट है जरा कमेंट करें, क्योंकि ये बैंक काफी कम लोगों के द्वारा यूज किया जाता है और बहुत कम ही लोग इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। इसमें जब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो बाकी जितने भी फोन लॉन्चेस होने वाले हैं उनके बारे में बताया जाता है, सेल के बारे में बताया जाता है कि रियलमी C11 का सेल टुमारो 12 बजे होने वाला है, इन्फिनिक्स का भी होने वाला है, मोटोरोला ऑनफ्यूजन का थर्सडे को होने वाला है, नार्जो का होने वाला है फ्राइडे को 12 बजे, ऑनर 9S का होने वाला है, रियलमी सूट 12 का होने वाला है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सेल के अंदर बताया जा रहा है कि ये फोन आएंगे लेकिन फ्लैश सेल ही रहेगा ये, तो ये ध्यान रखिएगा कि सेल के टाइमिंग पे आप अपने आप को तैयार रखिए और उसी टाइम आप उस फोन को परचेज करें। उसके बाद ऑफर्स तो बहुत सारे नीचे दिखाए गए हैं लेकिन आपको मेन ऑफर के बारे में बात करते हैं जो कि बोनांजा के अंदर मिलेगा। वो है आपका एक फोन जो कि बहुत ही सस्ता मिल सकता है 2-3 हजार रुपए के डिस्काउंट के ऊपर, वो है रेडमी K20 Pro। सबसे पहले चार फोन के बारे में बताया गया, जहां पे आपको आईफोन के बारे में बताया जा रहा है कि 36 हजार रुपए में आपको मिल रहा है, वो आईफोन आज भी 36 हजार रुपए में ही मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 36,000 रुपीज में जब सेल में वो फोन आता है तो नॉर्मल डेज में भी तो 36,000 का मिल रहा है लेकिन आपको बैंक डिस्काउंट जो देखने को मिलता है वही आपको बोनांजा सेल हो या बिग सेविंग डेज हो वही ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको अच्छे बेनिफिट देखे जाते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा आपको K20 के ऊपर बताया जा रहा है कि 2000 का डिस्काउंट दिया जाएगा अगर एक्सचेंज करते हैं और पोको X2 का जो प्राइस है वो 17,500 रुपए, आज की डेट में भी उसका प्राइस उतना ही है लेकिन उसके बाद भी बताया जा रहा है कि सेल में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फेडरल बैंक का कार्ड अगर आपके पास है तो आपको 1500 का डिस्काउंट अलग से दिया जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको एक फोन मिल रहा है 1,00,000 रुपए का जिसके अंदर आपको 50,000 की बचत मिल सकती है। उस फोन का नाम है मोटोरोला रेजर जो कि काफी लोगों के द्वारा नहीं लिया जाएगा, एक दो लोगों के जो ले सकते हैं। साथ ही साथ रियलमी 6 के बारे में बताया जा रहा है कि 15,000 रुपए में फोन मिल रहा है, आज के डेट में भी 15,000 में मिल रहा है और सेल में भी 15,000 में मिल रहा है, तो बड़ा प्राइस डिफरेंस नहीं है। रेडमी K20 Pro के ऊपर 2,000 का डिस्काउंट दिखाया जाएगा। ओप्पो A5S जो है उसमें आपको 9,000 का प्राइस दिखाया जा रहा है आज की डेट में लेकिन 1,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा, बैंक डिस्काउंट अलग से आपको मिलेगा। सबसे अच्छा यह है कि रियलमी X50 Pro जो 5G फोन है 42,000 रुपए का है लेकिन उसके ऊपर आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं पर Realme X2 Pro की बात करते हैं तो 28,999 रुपए का फोन है, 100 रुपए का डिस्काउंट देके आपको 26,999 में वो फोन देखने को मिलेगा। अब एक फोन जो काफी अंडरएस्टिमेटेड रहा है और ये फोन जिन लोगों के द्वारा भी लिया गया हो काफी खुश हैं, उस फोन का नाम है IQ3 और इस फोन का प्राइस है आज के रेट में 35,000 रुपए। इस फोन में आपको 865 प्रोसेसर के साथ साथ 55 वाट का सुपर फ्लैश चार्जर मिलता है, 40 mAh की बैटरी मिलती है, 8GB रैम में आता है, 48 MP का कैमरा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है इसके अंदर और बाकी सारी चीजें भी अच्छी खासी है इसके अंदर, तो ये फोन आप ट्राई कर सकते हैं जिसके ऊपर 3,000 का डिस्काउंट देके आपको 31,999 रुपए में प्रोवाइड कराया जाएगा इस सेल के अंदर और साथ ही साथ बैंक डिस्काउंट भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं सेल के लिए, आपको जो मैंने चीजें बताई वो देख
सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ और भी कुछ सैमसंग के साथ डिस्काउंट आ रहे हैं, और भी कुछ फोन के साथ डिस्काउंट आ रहा है, लेकिन ध्यान ये बात का रखना है कि फोन खरीदने से पहले उनके प्राइसेस को चेक करना है, क्योंकि फोन के ऊपर बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ज्यादातर डिस्काउंट आपको बैंक से रिलेटेड है और कुछ फोन के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, तो प्राइस को चेक जरूर कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि सेल के अंदर मिल रहा है तो अच्छा ही मिल रहा होगा, डिस्काउंट पे ही मिल रहा होगा तो हम ले लेते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये एफिलिएट लिंक नहीं है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जानकारी सेल से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड चाहिए तो आप नीचे कमेंट तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। तकनीकी सार मेरा ट्विटर हैंडल है, वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहां भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों तकनीकी सार देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक चैनल के लिए। अगर आप ये काम करते हैं तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और लिंक कुछ एफिलिएट दिए हुए हैं नीचे जो कि अमेज़न से रिलेटेड है, वहां से कुछ परचेज करना चाहते हैं तो आप तकनीकी सार की हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए।